सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। सो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लेके आ रहा हूं। क्या है मेरा पहला प्रश्न, देखिएगा ध्यान से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का। एक ज्यूरी है, जो ज्यूरी वर्डिक्ट अपना देता है, जो निर्णय देता है एक ज्यूरी के द्वारा, उस वर्डिक्ट को दैट क्रिमिनल डिफेंडेंट इज नॉट गिल्टी, उसने बोला कि जो क्रिमिनल डिफेंडेंट है, जो अपराधी है, वह अपराधी अब नहीं रहा, वह तो साफ सुथरा इंसान है। डियर स्टूडेंट, तो अगर ऐसा कोई भी बात बोला जाता है तो वह वर्डिक्ट वन वर्ड में क्या कहलाएगा? ऐसा निर्णय जिसको दोष मुक्त कर दिया गया है, उसे वर्ड में, एक वर्ड में क्या कहलाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स को बताइए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आज थोड़ी सी टेक्निकल समस्याओं ने हमें घेरा है, लेकिन ये छोटी मोटी बाधाएं हैं जी, कट जाएंगी चलते चलते। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, आई होप सभी ने आंसर दिया है बहुत ही परफेक्ट, विच इज कॉल्ड एक्यूटल, ACQUTTAL, एक्यूटल। अगर हिंदी में बात करें तो बहुत बढ़िया, दोष मुक्त, बहुत बढ़िया, दोष मुक्त कहते हैं इसको। अच्छा, इसका यूज कहां आएगा? जब आप हिंदी में आंसर लिखोगे तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी डियर स्टूडेंट, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एविडेंस दैट मे बी कंसीडर्ड बाय अ ज्यूरी और जज इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। साक्ष्य का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, जिसे दीवानी कह सकते हैं सिविल मामले, और क्रिमिनल मतलब आपराधिक मामलों में जूरी या न्यायाधीश द्वारा माना जा सकता है, ठीक है। तो मतलब ऐसी चीज जो एक्सेप्टेबल है, दैट मींस विच इज कॉल्ड, सभी लोग थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, आई होप इसका आंसर देखिए, एडमिसिबल। अरे कोर्ट में, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, कोई मामला अगर कोर्ट के द्वारा कंसीडर्ड है, दैट मींस एडमिसिबल है। क्या है डियर स्टूडेंट? एडमिसिबल है। एडमिसिबल है या नहीं? सर आवाज तो तेज है बट फट रही है, क्या अक्षिता जी से सभी लोग सहमत है? आवाज तो तेज है बट कह रही है आवाज फट रही है, अभी भी कोई इश्यू है तो जरूर बताइएगा डियर स्टूडेंट, इस पर भी हम वर्किंग करेंगे, इस पे भी हम वर्किंग करेंगे, राइट। बिल्कुल, एडमिसिबल को, एडमिसिबल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वीकार्य। कोई भी चीज जो क्या है, स्वीकार्य है। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बट थोड़ी सी फट रही है आवाज, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी इस पे वर्किंग करते हैं, अभी इस पे वर्किंग करते हैं, अभी इसको हम, हमारी टेक्निकल टीम इसको सही कर रही है, इसको भी क्लियर कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। अ ट्रायल दैट टेक्स प्लेस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकरप्टसी केस। बैंकरप्टसी का मतलब क्या होता है? अरे कोई व्यक्ति, अब मैं बैंकरप्टसी का नाम आता है पता नहीं क्यों मेरे मन में विजय माल्या आ जाता है, पता नहीं फिट है ये बात, तो चलिए बताइए, अगर कोई भी ट्रायल है दैट टेक्स प्लेस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बैंकरप्टसी केस, बैंकरप्टसी केस मतलब क्या हो गया? दिवालिया, कोई भी व्यक्ति अगर दिवालिया हो जाता है तो उसके संबंध में कोई ट्रायल चलती है, तो उससे कानून की भाषा में बताना है आपको, इंग्लिश में नहीं बताना है, कानून की भाषा में बताना है आज, समझ रहे बात को? इंग्लिश की वन वर्ड नहीं है ये वन वर्ड ऑफ लीगल वर्ड्स है, तो लीगल वर्ड्स को वन वर्ड में कन्वर्ट करना है आपको। इज देयर एनीवन? सभी को मैं टाइम दे रहा हूं। प्रेम, प्रेरणा सिंह कह रही है सॉल्वेंट, ओके, प्रेरणा सिंह कह रही सॉल्वेंट, इज देयर एनीवन एल्स? टाइम पूरा दे रहा हूं, निश्चिंत रहिएगा, टाइम पूरा मिलेगा, किसी को भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको टाइम कम दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो कार्यवाही कोर्ट में चलती है उसे कहते हैं प्रोसीडिंग्स। क्या कहते हैं उसको डियर स्टूडेंट? प्रोसीडिंग्स कहते हैं जो कार्यवाहियां कोर्ट में चलती हैं। लेकिन इस प्रोसीडिंग को क्या कहेंगे? एडवर्सरी प्रोसीडिंग। क्या कह रहा हूं? एडवर्सरी, एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स। क्लियर हुआ सभी को बात? एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स का मतलब यह होता है जो किसी भी व्यक्ति जो दिवालिया हो गया है उसके ऊपर कोई मामला चल रहा है उसे कहते हैं एडवर्सरी प्रोसीडिंग। कोई बात नहीं, हिंदी में मत टाइप करिए, इंग्लिश में ही हिंदी वाला वर्ड टाइप कर दीजिए। जैसे मैं बोलता हूं कि, जैसे किसने लिखा है, प्रेरणा जी,
प्रेरणा आपका नाम हिंदी में भी तो प्रेरणा है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, बस मैं ऐसे नाम लिखने के लिए कह रहा हूं आपको। ओके, आई होप आप मेरी बात को, मेरे रीजनिंग पावर को आप समझ गए होंगे, ये भी समझाना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रिटन और प्रिंटेड स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ। ठीक है, कोई भी रिटन या प्रिंटेड स्टेटमेंट है जो ओथ के अंदर किया जाता है, बता सकते हैं कोई? कोई भी शपथ के तहत किया गया, वापस समझिएगा, शपथ के तहत किया गया एक लिखित या फिर मुद्रित बयान क्या कहलाता है? वेरी गुड राहुल शर्मा, सुषमा जी, प्रेरणा सिंह, वेरी गुड अक्षिता, तृप्ति, वेरी गुड। एफिडेविट हिंदी में भी लिखिएगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एफिडेविट जो फाइल किया जाता है, एफिडेविट, और हिंदी में कहते हैं डियर स्टूडेंट इसको शपथ पत्र। क्या कहते हैं? शपथ पत्र। अच्छा, एफिडेविट एक वर्ड आया है डियर स्टूडेंट, ओथ आया है। इसको हिंदी में और क्या प्रतिज्ञान कह सकते हैं? या फिर इसको और इंग्लिश में एफर्मेशन कह सकते हैं? एफर्मेशन, जल्दी से बताइए, क्या इसको एफर्मेशन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, एफर्मेशन कह दीजिए, ओथ कह दीजिए, इन सबको एफिडेविट कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चलिए, द रिलीज प्रायर टू ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। कोई भी क्राइम का एक्यूज्ड पर्सन है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, एक्यूज्ड है, कोई भी दोषी है, ठीक, दोषी है वो व्यक्ति, एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, अगर उसको ट्रायल, मतलब होता है विचारण, ट्रायल से पहले ही उसको रिलीज होना है, तो एंड टू एश्योर दैट पर्सन्स अपीयरेंस इन कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड, और इस शर्त पर छोड़ा जाता है, कह सकते हैं इस कंडीशन पर छोड़ा जाता है कि भाई तेरे को जब बुलाया जाएगा तब तू आएगा। ठीक है, श्योरिटीज को भी लिया जाता है, इसमें सिक्योरिटी दी जाती है, तो उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? वेरी गुड, इसको कहते हैं बेल, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसको कहते हैं जमानत, बेल मतलब जमानत। देखो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी वन वर्ड अभी कभी इंप्रूव कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, द ड्यूटी टू प्रूव डिस्प्यूटेड फैक्ट्स। जो भी डिस्प्यूटेड फैक्ट्स होते हैं, विवादक तथ्य होते हैं, ठीक है, उसके संबंध में कह रहा है इन सिविल केसेस, और दूसरा आएगा इन क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में अ प्लेंटिफ हैज जनरली हैज द बर्डन ऑफ प्रूविंग हिज और हर केस। प्लेंटिफ जो होता है, पीड़ित पक्षकार को खुद को अपना बर्डन होता है प्रूव करने का। क्रिमिनल केसेस में सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन होता है प्रूव करने का। क्या प्रूव करना है? प्रूविंग द डिफेंडेंट्स गिल्ट, कि जो कह रहा है मैंने हत्या नहीं करी है, तो सरकार के ऊपर बर्डन है, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है कि गवर्नमेंट प्रूव करेगा नहीं तूने ही हत्या करी है। तो ये बात जो मैं पूछ रहा हूं, इसे वन वर्ड में अगर मैं वन वर्ड में कहूं तो इसका आ सकता है आंसर, ढूंढिए मत, क्वेश्चन में ही आंसर है, बर्डन ऑफ प्रूविंग क्या कहलाता है? बर्डन ऑफ प्रूफ, इसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। अच्छा, इसको मैं लाया क्यों हूं? इसको मैं लाया इसलिए हूं, कंटेंट के लिए आपके लिए लेके आया हूं। ओके, बिल्कुल बर्डन ऑफ प्रूफ, राइट, सभी, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, अ क्राइम, क्या लिखा हुआ है? अ क्राइम पनिशेबल बाय डेथ। अगर किसी भी क्राइम को पनिशेबल बाय डेथ है, आपने ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा आपको, हाँ, ऐसी आपने कोई भी गुनाह किया है जिसकी सजा आपको मौत मिलेगी, फांसी की सजा होगी, उसको हम लॉ में क्या कह सकते हैं? वेरी गुड अमन, कैपिटल पनिशमेंट के नाम से उसको जाना जाएगा, कैपिटल पनिशमेंट, वेरी गुड। अगर मैं कहूं यहां पर फांसी की भी सजा अगर होती है तो उसे भी क्या कह सकते हैं? कैपिटल पनिशमेंट। मेरा प्रश्न आप सभी से, अगर किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाता है तो यह किस में आएगा?
लाइफ इंप्रिजनमेंट अगर किसी को दिया जाता है तो वो क्या कैपिटल पनिशमेंट है या फिर नहीं है, जल्दी बताएं। अगर किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाता है, उम्र कैद, लाइफ इंप्रिजन मतलब क्या होता है, उम्र कैद, ताउम्र वह उम्र कैद। अच्छा, इसमें एक बात और याद रख लीजिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा होती है, अगर किसी भी व्यक्ति को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा होती है तो कितने साल जेल में काटेगा, जब तक वह जीवित रहेगा तब तक वह जेल में रहेगा, ठीक है। यहां पे सभी लोग लिख रहे हैं नो, ठीक है। लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है वह कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। चलिए, आप सभी का ये आज होमवर्क रहेगा, मैं फिर से अगली क्लास में आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगा और आपको आंसर देना है वाई, ओके। अगर कह रहे हो यस तो वाई, नो कह रहे हो तो वाई। अगला प्रश्न, लीगल क्लेम, अगर कोई भी मैंने कानूनी रूप से दावा ठोका है, क्लेम ठोका है आपके लिए, तो जो लीगल क्लेम होता है भाई, वो लीगल क्लेम को क्या कहेंगे हम, कॉज ऑफ एक्शन। याद रखिएगा, कोई भी लीगल क्लेम अगर हम कह रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, कॉज ऑफ एक्शन। क्या कह रहा हूं, कॉज ऑफ एक्शन। अगर कॉज ऑफ एक्शन को हिंदी में बोलो तो इसको बोलते हैं वाद हेतुक। क्या बोलते हैं भाई, वाद हेतुक। आपका आंसर नहीं आ रहा है मतलब मामला गड़बड़ है, वाद हेतुक। इज इट राइट और नॉट, हाँ क्या हो गया प्लीज, अरे क्या हो गया प्लीज। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रॉपर्टी दैट इज प्रॉमिस्ड एज सिक्योरिटी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे क्या किया गया है, अ प्रॉपर्टी दैट इज प्रॉमिस्ड एज ए सिक्योरिटी, कोई भी संपत्ति को मैं सिक्योरिटी के रूप में आपको दे रहा हूं, ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डेट। इसको डेप्ट नहीं कहते हैं डियर, इसको डेट कहेंगे, ठीक है, ये डेप्ट नहीं, बी साइलेंट रहता है, इसको क्या कहेंगे, डेट। तो संपत्ति जिसे ऋण की संतुष्टि के लिए सुरक्षा के रूप में दिया जाता है, एज ए सिक्योरिटी, वेरी गुड। क्या लिख रहे हैं, मोर्गेज, मॉर्गेज एंड एनीवन एल्स, अरे इसे मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं, कोलेटरल कहते हैं इसको, आप लोग एकदम उसमें चले गए, मतलब दिस सिक्योरिटी इज कॉल्ड, इस सिक्योरिटी को क्या कहेंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। और कोलेटरल को, कोलेटरल को क्या बोलते हैं, कोलेटरल को बोलते हैं संपार्श्विक। क्या कहते हैं, संपार्श्विक, लिख लीजिएगा, संपार्श्विक। चलिए, बड़ी मुश्किल से लिखा हिंदी, अब आगे की बात, संपार्श्विक, ठीक है। लाइफ इंप्रिजनमेंट इज नॉट कैपिटल पनिशमेंट बिकॉज ऑफ इट्स रिकवर रिवोकेबल नेचर, ओके। सरोज जी ने काफी अच्छी लाइन लिखी है, डिस्कस करेंगे इसके आगे भी। अगला प्रश्न देखिएगा, एनी एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग, अगर कोई भी एलिगेशन किया जाता है, चाहे वह एलिगेशन किसमें किया जा रहा है, ऑरली किया जा रहा है या फिर वो लिखित में किया जा रहा है, टू अ मैजिस्ट्रेट, किसी भी जज साहब को, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन दैट सम पर्सन, चाहे वो नोन हो चाहे वो अननोन हो, हैज कमिटेड एन ऑफेंस, बट इस एलिगेशन के अंदर पुलिस रिपोर्ट नहीं आएगी। तो फटाफट सभी लोग बताएं, विद सेक्शन, सेक्शन नहीं लिखोगे तो अत्याचार है, अन्याय है ये, तो बिल्कुल इसे क्या कहेंगे, सीआरपीसी में आपने पढ़ा है सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर, इसे कहते हैं कंप्लेंट। लेकिन इसकी हिंदी जो बताएगा वह होगा राजा बाबू, जल्दी से हिंदी बताइए इसका, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, इसको हिंदी में कहते हैं परिवाद। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, परिवाद। देखो आप सभी को आता होगा, लेकिन एग्जाम में होता क्या है, एट अ टाइम वो वर्ड ही क्लिक नहीं करता है, इसलिए इस प्रैक्टिस को करना बहुत जरूरी है अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट हैज एडजुडिकेटेड द मैटर इवन दो वन ऑफ द पार्टीज टू द सूट इज एबसेंट, ठीक है, कोई एडजुडिकेशन चल रहा था, एक कोई भी पार्टी एबसेंट थी, एंड टेक्निकली द मैटर हैज बीन डिसाइडेड ओनली ऑन द कंटेंशंस ऑफ वन पार्टी हु इज प्रेजेंट टू द सूट। हिंदी में बोल देता हूं, ओके देखो हिंदी में बोल देता हूं, कोई मामला कोर्ट में चल रहा था, एडजुडिकेशन चल रहा था डियर स्टूडेंट, तो हुआ क्या कि वहां पर एक पार्टी आई है, उसी की पार्टी के बेस पे ही निर्णय दे दिया गया,
तो ऐसे निर्णय, ऐसे डिक्री, ऐसे ऑर्डर को क्या कहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड अक्षिता, राहुल एंड मोनिका, वेरी गुड। ऐसे को क्या कहते हैं? एक्स पार्टी। एक्स पार्टी, एक्स पार्टी क्या कहेंगे? इसको डिक्री भी कह सकते हैं या फिर ऑर्डर भी कह सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आई होप सभी को प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ओके, अ सीरियस क्राइम, बहुत सीरियस क्राइम की बात चल रही है। ओके, यूजुअली पनिशेबल बाय एटलीस्ट 1 year इन प्रिजन। ऐसा आपने घोर अपराध किया है जिसके लिए आपको सजा, ध्यान समझिएगा, ऐसा कोई आपने सीरियस क्राइम किया है जिसके लिए आपको सजा केवल 1 साल की मिलेगी। ठीक है, हाँ, लेकिन ऑफेंस आपका सीरियस क्राइम है, यूजुअली पनिशेबल एटलीस्ट 1 year इन प्रिजन। एक गंभीर अपराध, आमतौर पर कम से कम 1 साल की सजा उसको दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पीटी ऑफेंस। अरे पेटी होता है यार, पीटी क्या होता है? पीटी मतलब व्हाट? चलो ये पेटी ऑफेंस भी नहीं है। इज देयर एनीवन, कोई है, कोई है जो इसका आंसर देगा? मैं वेट कर रहा हूं, मेरी नजरें उसको तरस गई हैं देखने के लिए। कोई तो इसको राइट आंसर में कन्वर्ट कर दे भाई। चलिए मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। इसको हिंदी में कहते हैं गंभीर अपराध को घोर अपराध। अरे घोर अपराध कहते हैं कि नहीं कहते? अभी पढ़ाया था घोर अपराध, किसमें पढ़ाया था? जेजे एक्ट के अंदर पढ़ाया था। अब देखिएगा दूसरी बात, इंग्लिश में इसको कहते हैं फेलोनी। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? फेलोनी। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? फेलोनी। फेलोनी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सभी लोग अब समझ में आ गया? नो, इट्स कॉल्ड फेलोनी। फेलोनी मींस होता है घोर अपराध। अब देखिए हीनियस ऑफेंस। अच्छा एक बात बताइए, ऑफेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं? मैंने आपको कल बताया था ऑफेंसेस जो होते हैं, ऑफेंसेस का मतलब हो गया अपराध। अपराध के टाइप कितने होते हैं? 3 अपराध आप सभी को तो पता है। पहला अपराध का टाइप क्या होता है? पेटी ऑफेंसेस। कल मैंने बताया था, बार बार पीटी पीटी लिख रहे हो, पेटी ऑफेंसेस। दूसरा और कौन सा टाइप होता है? सीरियस ऑफेंसेस। और चौथा कौन सा होता है? हीनस ऑफेंसेस। हीनस ऑफेंसेस राइट। पेटी ऑफेंसेस का मतलब होता है छोटा अपराध, छोटे अपराध। सीरियस ऑफेंस को क्या कहते हैं? सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा। अरे कैसे नहीं आएगा फेमस जी, आप इतने अच्छे व्यक्ति हो। सीरियस ऑफेंस का मतलब क्या होता है बता सकते हैं? बताएंगे कोई? यस, सीरियस और हीनेस, ये दो ही तो आपको बताना है, इसके बाद तो मामला ही खत्म हो जाएगा। सीरियस ऑफेंस का मतलब पहले बताए राइट, सीरियस ऑफेंस का मतलब सबसे पहले बताए। हिंदी अनुवाद पूछ रहा हूं, अर्थ नहीं पूछ रहा हूं। हाँ चलिए यहां पर आ जाएगा अप टू 3 year की सजा, अभी जेजे एक्ट में पढ़ा था। सीरियस ऑफेंस में आ जाएगा 3 to 7, और हीनियस ऑफेंस में आपको पता ही है 7 year और मोर। चलो ये तो मैंने बता दिया, एक होता है घोर अपराध, एक होता है जघन्य अपराध। इसे कहते हैं घोर अपराध, इसे क्या कहते हैं? घोर अपराध, याद रख लेना थोड़ा। और इसे हीनियस को क्या कहते हैं? जघन्य अपराध। एग्जाम्पल से समझा दूं क्या? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे हो गया? मर्डर हो गया। अरे मर्डर हो गया, आपने मर्डर कर दिया है, मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया। और क्या कर दिया आपने? हाँ रेप कर दिया। चलिए ठीक है, ये सब ऑफेंस हीनियस ऑफेंस में आएंगे। आई होप सभी को अब तो क्लियर हो गया ना। अब आइए इसमें, तो घोर अपराध की बात चल रही है, सीरियस क्राइम, तो इसको फेलोनी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से फटाफट। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, फाइलिंग रिट, फाइलिंग रिट टू शो मी द बॉडी। अगर हम कोई रिट फाइल करते हैं कि भैया मेरे को बॉडी शो करो, लेट द बॉडी फ्री, इसको और बोल सकते हैं लेट द बॉडी, लेट द बॉडी फ्री फ्रॉम, फ्रॉम व्हाट? अगर आपको, आपकी बॉडी को किसी भी गलत तरीके से कब्जे में रखी गई है, डिटेन करके रखी गई है, तो बिल्कुल आप जो रिट फाइल करते हो उसको क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस रिट। हैबियस, यह सभी लोगों ने सही लिखा है, ओके, हैबियस कॉर्पस रिट फाइल होगा, ठीक है, हैबियस कॉर्पस। लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे सर शरीर प्रस्तुत करना, वेरी गुड। लेकिन
ओके हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहां लिख देता हूं, इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बोलो समझ में आया सभी को, बंदी प्रत्यक्षीकरण, राइट। लेट द बॉडी फ्री फ्रॉम इनलीगली डिटेन्ड, ठीक है, इनलीगल डिटेंशन, ये लिख लो पूरा, इनलीगल डिटेंशन, ठीक है, इनलीगली डिटेन्ड लिख सकते हो इसको। अगर अवैध रूप से उसे डिटेन करके रखा गया है तो, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है हिंदी, मजबूत करेंगे। अभी मैं आप सभी को बता रहा हूं ना, अभी मैं आप सभी को 3-4 क्लासे इसकी हेल्ड करूंगा, 3-4 क्लासे मैं बैक टू बैक लाऊंगा धीरे धीरे, ताकि आपका इसमें और अच्छा हो जाए मामला। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, द पनिशमेंट ऑर्डर्ड बाय अ कोर्ट फॉर अ डिफेंडेंट कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम। एक कोर्ट, एक पनिशमेंट ऑर्डर किया गया है एक कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ने पनिशमेंट की सजा, पनिशमेंट दी है, दंड दिया है, किसके लिए, फॉर अ डिफेंडेंट कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम। एक डिफेंडेंट था, वो क्राइम में कन्विक्ट हो गया। अगर किसी भी डिफेंडेंट को उसके क्राइम की कन्विक्शन होने पे सजा सुनाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, यस, पीडीएफ प्रोवाइड कर देना, बिल्कुल, पिछले क्लास की भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करी है और इस क्लास की भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। टेक्निकल टीम जो पीडीएफ के लिए वर्क करती है वो सुन भी रही है, निश्चिंत रहिएगा। ओके, अब देखिएगा, बिल्कुल, इसको बोलते हैं सेंटेंस, क्या बोलते हैं, सेंटेंस, कहते हैं ना, इस कोर्ट ने इतने साल की सजा सुनाई है, द कोर्ट हैज सेंटेंस्ड 10 इयर्स इंप्रिजनमेंट, राइट। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, अ लॉ पास्ड बाय अ लेजिस्लेचर, एक विधायिका द्वारा पारित एक कानून क्या कहलाता है। हिंदी में अगर मैं कहूं तो एक वह कानून, कानून भी तो कहलाएगा, कानून है अपने आप में, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, सभी लोग बताएं, एनैक्टमेंट, एक्ट, और कोई प्रॉपर वर्ड बताओ यार, प्रॉपर वर्ड बताओ, बिल कह रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो अक्षिता जी, बहुत गलत बात है, नहीं, देखिए, अगर कोई भी इसको कह सकते हैं स्टैट्यूट, नहीं कह सकते हैं, ज्यादा प्रॉपर वर्ड लॉ के हिसाब से बोलो, स्टैट्यूट, स्टैट्यूट या स्टैट्यूट भी कहते हैं इसको, जो भी आपको सही लगे, या इसको हिंदी में, चलो बता दो हिंदी में इसको और क्या कह सकते हैं, विधान कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल इसको विधान भी कह सकते हैं, कोई भी स्टैट्यूट पास हुआ दैट मींस कोई भी विधान पास हुआ है, या इसको संविधि भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, संविधि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अ लॉ पास बाय अ लेजिस्लेचर, एक लेजिस्लेचर के द्वारा, ये चलो ये शायद आई होप डबल हो गया, माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन, अ सिविल नॉट क्रिमिनल रॉन्ग, या मैं ये कह सकता हूं, उसको ऐसे पढ़ो, इसको ब्रैकेट में डालो, अ सिविल रॉन्ग बट विच इज नॉट अ क्रिमिनल, या फिर ऐसे पढ़ो, अ सिविल नॉट क्रिमिनल रॉन्ग बट अ सिविल रॉन्ग तो है, उसको क्या कहेंगे, एक सिविल रॉन्ग को क्या कहा जाएगा। वेरी गुड अक्षिता, सुषमा जी, वेरी गुड, अपकृत्य, वेरी गुड, अपकृत्य, चलिए अपकृत्य लिख देता हूं, और पूरा आपका सब्जेक्ट है सिविल रॉन्ग को क्या बोलते हैं, एक सिविल रॉन्ग को क्या बोलते हैं, टॉर्ट बोलते हैं डियर स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, टॉर्ट बोला जाता है, ठीक है, टॉर्ट मींस अ सिविल रॉन्ग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जल्दी बताइए, थोड़ा स्पीड मेंटेन करो, द डिसीजन ऑफ अ ट्रायल, द डिसीजन ऑफ अ ट्रायल ज्यूरी और अ जज दैट डिटरमाइंस द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ अ क्रिमिनल डिफेंडेंट और दैट डिटरमाइंस द फाइनल आउटकम ऑफ अ सिविल केस। जो ज्यूरी या जज होता है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, जो ज्यूरी या फिर जो जज होते हैं उनके द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है, ठीक है, उनके द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है उसे क्या कह सकते हैं हम, बिल्कुल, उसको हम कह सकते हैं, वेरी नाइस, जजमेंट कह रहे हैं, या फिर उसको और मैं ये भाषा में नहीं कह सकता, वर्डिक्ट, वर्डिक्ट, क्या मैं इसे वर्डिक्ट नहीं कह सकता हूं,
वर्डिक्ट भी कहा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, कहा जा सकता है। हिंदी में लिखा है इन्होंने बहुत बढ़िया, न्याय निर्णय, न्याय निर्णयन, ठीक है, न्याय बिल्कुल सही लिखा है, हाँ न्याय निर्णय, ठीक है। अब मेरी बात को और सुनो, एक कंफ्यूजन जो नॉर्मली लॉ स्टूडेंट्स के मन में रहता है उसको क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, है ना। एक कंफ्यूजन ये रहता है, क्या कंफ्यूजन है ब्रो, ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन ये रहता है जजमेंट की स्पेलिंग को लेके। दो स्पेलिंग है जजमेंट की, बार बार इनमें कंफ्यूजन होता है। एक स्पेलिंग ये होती है डियर स्टूडेंट, एक स्पेलिंग आपकी ये होती है। यहां पर जी के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट, जी के बाद आपका डायरेक्ट एम आ रहा है, बट यहां पर जी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो सभी लोग बताएं, नमस्कार प्रतिभा जी, नमस्ते, कैसे हो, चलिए फटाफट बताएं कि ये कौन सा स्पेलिंग सही है, ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा। सभी को टाइम दे रहा हूं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं। ए वाली सही है, ए वाली मतलब फर्स्ट नंबर सही है कि सेकंड नंबर सही है, बस इतना लिखिए, वन टू में बताइए। वन वाली सब कह रहे हैं, जे यू डी जी एम ई एन टी, ओके। एक वाली, एक नंबर लिख दीजिए, लॉ प्लेटफॉर्म एट होम, टू कह रहे हैं, राहुल शर्मा टू कह रहे हैं, ओके। हाँ तो देखिए देखिए, अक्षिता जी, अक्षिता सक्सेना के लिए एक बार थम्सअप करो, कम से कम 50 थम्सअप आने चाहिए, और है ना, शर्माओगे नहीं, अक्षिता जी ने सही आंसर लिखा है, बोथ आर राइट, ठीक है, ये दोनों के दोनों सही है डियर स्टूडेंट, ठीक है। चाहे आप जी एम ई एन टी लिख दो, चाहे आप जी ई एम ई एन टी लिख दो, बोथ आर करेक्ट, एकदम बोथ आर करेक्ट, गेटिंग अ पॉइंट, इसमें कोई आपको दो राय नहीं होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल वन टू लिखना छोड़िए, क्या लिखेंगे, बोथ आर करेक्ट। अरे ऐसा होता है ना, यूएसए में ये यूज होता है, अंग्रेज इसको ये स्पेलिंग रखते हैं, इंडिया वाले ये स्पेलिंग रखते हैं, तो दोनों वैल्यूएबल है, ओके। अगला, हाँ उपदेश शांडिले, उपदेश कैसे हो, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आप संभाल रहे हैं प्रॉपर या नहीं, ये हमारे सर हैं जो ऑफलाइन संभालते हैं। चलिए, अ समरी, एक सारांश, किसी भी समरी को क्या कहा जाता है, और बहुत बड़े ऑनलाइन टीचर भी रह चुके हैं, अभी थोड़ा सा हेल्थ इश्यू से ये ज्वाइन नहीं किए हैं। चलिए, ओके डियर स्टूडेंट, समरी को एक वर्ड में क्या कह सकते हैं, एक समरी को, इसको मैं क्या बोलूंगा, सभी का इंतजार है, समरी, ट्रायल व्रायल में मत जाइए, कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है उसकी छोटी सी समरी। फूड सेफ्टी एक्ट की आगे की क्लास, कंचन वर्मा इतना सारा पढ़ाया है, पढ़ लीजिए ना, जहां प्रॉब्लम है बता दीजिएगा, फिर मैं अनअकैडमी की फ्री क्लास में करा दूंगा, ठीक है। इतना पॉसिबल नहीं होगा कि सब पूरा एक्ट में करा पाऊं, समझिए आप बात को, जितना कोशिश होता है मैं करा देता हूं। अभी मैं आपके लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लेके आऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। जिस्ट कह रहे हैं, कोई कह रहा है ब्रीफ, या मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं, एब्स्ट्रैक्ट, लॉ की भाषा में इसको मैं ये नहीं कह सकता हूं, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नहीं कह सकता हूं, बिल्कुल आप लोग भी सही है। कुछ भी चीज ब्रीफ में दिया जाता है जो, बिल्कुल आप लोग सही है, वेरी गुड, ब्रीफ इज द राइट आंसर, या इसको हम कह सकते हैं सारांश, ओके बहुत बढ़िया, आप लोग भी सही है, और कोई सार में कहते हैं इसको, यस बिल्कुल, सार में कोई चीज बोलना, ये लो प्रॉपर कर देता हूं। आगे बढ़े, सभी को समझ में आ गया आई होप। हाँ अगला क्वेश्चन, संक्षिप्त में, लो एक और लिख देता हूं, संक्षिप्त में अपने आंसर देते रहिए, ओके चलिए अगला प्रश्न करते हैं, निष्कर्ष कंक्लूजन, ओके कंक्लूजन में भी बोल सकते, बट द करेक्ट वर्ड विच इज परफेक्टली सेड इज एब्स्ट्रैक्ट, राइट। अब चलिए, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है अल्टरेशन। देखिए मैं सीधा आंसर बताऊंगा आपको, अमेंडमेंट जितने भी होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं लॉ की भाषा में, अल्टरेशन, अल्टरेशन को हम क्या कह सकते हैं, अमेंडमेंट। अब आप इसकी हिंदी लिख दीजिएगा बस, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, एनी अल्टरेशन मेड इन एनी स्टैट्यूट, इन एनी लॉज, राइट, ओके बिल्कुल, कोई भी चेंजेस है, संशोधन, ओके संशोधन, चलिए वेरी गुड, तो इसे अमेंडमेंट कहते हैं। अच्छा अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट चलते हैं, वेरी गुड, वन हु अप्लाइज, कोई भी परेशान व्यक्ति है जो अप्लाई करता है किसी भी चीज के लिए,
तो वो क्या कहलाएगा? बहुत इजी है, इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ही इज कॉल्ड एप्लीकेंट. क्या कहेंगे इसको हम? एप्लीकेंट. आवेदक. क्या कहेंगे इसको हम? आवेदक. अगला प्रश्न, असर्शन टू समथिंग. ठीक है, असर्शन टू समथिंग, किसी बात का दावा करना, एजर्ट करना किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए दावा ठोकना, क्या कहलाता है? वेरी गुड, वेरी गुड. आपका नाम बता दीजिए, फेमस जुडिशरी, मैं बार बार भूल जाता हूं आपका नाम. यस, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड क्लेम. अगर कोई भी दावा की बात करें, हिंदी में लिखा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? क्लेम. एसर्शन टू समथिंग, किसी चीज के लिए एजर्ट करना, दावा ठोकना. ओके, अगली बात देखिएगा, सुटेबल एज पर सरकमस्टांसेस. कोई भी चीज जो एज पर सरकमस्टांसेस क्या होती है? सुटेबल होती है, परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त कोई भी चीज, उसको हम क्या कहेंगे? परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त कोई भी चीज होगी, जल्दी से बताएं. रीजनेबल, युक्ति युक्त, सरकमस्टेंशियल. ओके, या मैं इसको ये नहीं बोल सकता, एक्सपीडियंट, विच इज कॉल्ड एक्सपीडियंट. थोड़ा स्पीड बढ़ाइए सभी फटाफट, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपीडियंट. राइट, एम्ब्रॉय इन वॉर्ब, गर्भ में जो भ्रूण होता है उसकी हत्या कर देना. एम्ब्रॉय इन वॉर्ब मतलब कोई भी बच्चा, उसने गर्भ में जब था वो, उसको मार दिया गया. तो अगर किसी बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं लौकी भाषा में? बिल्कुल, हाँ कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एक्सपीडियंट सही तो है. ओके, हाँ तो जल्दी बताएं, अगर किसी भी बच्चे को मार दिया जाता है तो उसे कहते हैं फॉयटिसाइड. क्या कहते हैं उसको? फॉयटिसाइड. पहुंच तो रहे थे आप सभी लोग, फॉयटिसाइड. आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, फॉयटिसाइड. फॉयटी का मतलब क्या होता है, याद रखो इसको. चलो, फॉयटी का मतलब होता है जो भ्रूण है, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉयटी. साइड का मतलब क्या होता है? सी आई डी ई. साइड का मतलब होता है, डियर स्टूडेंट, किलिंग. क्या होता है इसका मतलब? किलिंग मतलब किसी भी भ्रूण की हत्या. क्या कहलाती है? अगर एक भाषा में बोलो तो भ्रूण हत्या. क्या कहलाता है? भ्रूण हत्या. बोलो, समझ में आया क्या? फॉयटिसाइड. अगला क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड गंगवार जी. अ रिवॉर्ड, किसी भी रिवॉर्ड को, किसी भी रिवॉर्ड को लॉ में क्या बोला जाता है? लॉ में बहुत अच्छा बोला जाता है, जल्दी बताएं. किसी भी, अगर कोई रिवॉर्ड आपको मिला है तो बता सकते हैं उसको क्या बोला जाएगा? ओके, ग्रेटिफिकेशन सबसे अच्छा वर्ड होता है, ग्रेटिफिकेशन. कोई आंसर नहीं दे पा रहा है. रिवॉर्ड को लॉ की भाषा में कहते हैं ग्रेटिफिकेशन. अगर किसी को कोई रिवॉर्ड मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रेटिफिकेशन. याद रख लो, काम आएगा ग्रेटिफिकेशन. ओके, अवार्ड का मतलब पंचाट हो सकता है राहुल शर्मा जी, जिसे कहते हैं डिसीजन देना. अवार्ड आप नहीं लिख सकते यहां पर. अगला प्रश्न देखिएगा, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग बाय अनदर ह्यूमन बींग. Killing by a human being, ठीक है, killing of a human being by another human being is called, सभी को ये आना चाहिए, IPC का ये सवाल है, Indian Penal Code, पांचवी सेक्शन नंबर 299, सेक्शन नंबर 300, 302. अरे पहुंचो तो सही. Homicide, very good dear students, it is called homicide. क्या कहा जाएगा उसको? Homicide, जिसको हिंदी में कह सकते हैं मानव वध. क्या कह सकते हैं इसको? मानव वध. ओके, मानव हत्या कह दो. अब यहां पर भी आप देखेंगे, होमी का मतलब क्या हो गया? मानव. और साइड का मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट? साइड का मतलब हो गया वध, मानव की हत्या. अगला चलिए, एनीथिंग विच इज अकॉर्डिंग टू लॉ. क्या कह रहा हूं? कोई भी चीज जो लॉ के अनुसार होता है. एनीथिंग विच इज अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कहलाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, जल्दी बताइएगा. हाँ, ये सबको आना चाहिए. अरे विच इज अकॉर्डिंग टू लॉ इज कॉल्ड लॉफुल. इसमें क्या सोच रहे हो इतना? लॉफुल वैध है, जो कि लीगल है. बिल्कुल लीगल भी लिख सकते हो, वैलिड लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हैं अपन.
अगर इसका उल्टा पूछूं, अकॉर्डिंग टू लॉ है तो लॉफुल है, लीगल है, वैलिड है. अगर नॉट नॉट वैलिड अगर कोई चीज है तो उसको मैं इंग्लिश में क्या बोल सकता हूं, लॉ की भाषा में. एनीथिंग विच इज नॉट वैलिड इज कॉल्ड, इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा ही होगा. वेरी गुड. वॉइड वर्ड ज्यादा अच्छा माना जाएगा, वॉइड शब्द ज्यादा अच्छा माना जाएगा. इनलीगल वर्ड नहीं लिखे. इनलीगल क्या होता है? देखो इनलीगल आप नहीं लिख सकते हो, उसका बात को समझो. इसको इसको क्या बोलेंगे? वॉइड. इनवैलिड बोल सकते हो, बिल्कुल इनवैलिड बोल सकते हो आप उसको. इनलीगल क्यों नहीं बोल सकते हैं? कई चीजें ऐसी होती हैं जो लीगल होती है, बाद में जाके गड़बड़ हो जाती है, वो वॉइड होंगी. इनलीगल क्या हो गया? वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, ये शुरू से ही गड़बड़ है. तो समझे, डिफरेंस थोड़ा क्रिएट करिए आप लोग. अब अगला क्वेश्चन है, डज नॉट एग्जिस्ट, मौजूद नहीं है, जो कि मौजूद नहीं है, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसको क्या कहेंगे? एनीथिंग विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, तो उसको हम कह सकते हैं जो मौजूद नहीं है वो नल एंड वॉइड होता है. क्या कहलाता है? नल एंड वॉइड, मतलब वो शून्य है. ठीक है. नेक्स्ट, लास्टिंग फॉर एवर, ऐसी चीज जो हमेशा से ही चलती जा रही है, लास्टिंग फॉर एवर. जल्दी जल्दी करें, थोड़ा स्पीड को मेंटेन करें ताकि सब करा दूं, क्लास एंड हो जाए फटाफट. हाँ, कोई भी चीज जो लास्ट करती है फॉर एवर, तो उसको हम बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट परपेचुअल. क्या बोल सकते हैं? परपेचुअल. परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस. इसको और क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश की बात करें तो इसको कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, बट लॉ का वर्ड क्या है? परपेचुअल. ये वर्ड कहां पे आपने पढ़ा होगा? कंपनी लॉ में. कंपनी लॉ में आपने नहीं पढ़ा क्या इसको? कंपनी लॉ में आपने ये पढ़ा होगा, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी रिमेन्स फॉर एवर. परपेचुअल सक्सेशन वर्ड पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप सभी ने? परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी में मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी. चलिए अगला प्रश्न, अ जनरल सर्वे. अगर लॉ के अंदर कोई भी जनरल सर्वे कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिव्यू कराना. क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? रिव्यू कराना, अगर कोई भी जनरल सर्वे हो रहा है तो. चलिए यहां पर जितने भी पति पत्नी देख रहे हैं, आप लोग आपस में एक दूसरे के लिए क्या कहलाओगे? जल्दी बताएं. मतलब इसका आंसर से पति पत्नी नहीं देंगे, सिंगल भी दे सकते हैं भाई, है ना? ऐसा नहीं बोल रहा हूं. हस्बैंड और वाइफ को, हस्बैंड और वाइफ को कानून की भाषा में एक शब्द में क्या कह सकते हैं? पार्टनर. अरे कानून की भाषा में बताना है, कपल. चलिए चलिए कोई बात नहीं, स्पाउस कहते हैं उसको. लॉ की लीगल वर्ड बताना है आपको, स्पाउस. स्पाउस इज अ प्रॉपर वर्ड. ठीक है, एक दूसरे के लिए पति पत्नी. अगला प्रश्न देखिए, इनडेफिनेटली, कोई भी चीज जो अनिश्चित काल के लिए चली जाती है, कोई भी ऐसी चीज जो इनडेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब इनडेफिनेट टाइम के लिए चली जाती है, इनडेफिनेट टाइम के लिए, अनिश्चित काल के लिए कोई चीज जाए तो उसको क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? जल्दी बताएं, फटाफट बताएं, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करें भाई. कोई भी चीज जो अनिश्चित काल के लिए चली जाती है उसको क्या कहते हैं? ओके, सभी का मैं देख रहा हूं. अरे अरे संसद में जाइए, अभी मैं आपको आंसर पर पहुंचाऊंगा. आप लोग कह रहा, मैं कह रहा हूं आपको आता है बट क्लिक नहीं हो रहा है. संसद में कोई भी, पार्लियामेंट के रेस्पेक्ट में कोई भी जो मैटर होता है वो अनिश्चित काल के लिए, अगर बिना बताए किस डेट पे अगली मीटिंग होगी, अनिश्चित काल के लिए अगर वो स्थगित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? समझे बात को मैं जो कहना चाह रहा हूं, पार्लियामेंट के रेस्पेक्ट में बताइए. चलिए सब अनसर्टेनिटी लिख रहे हैं. ओके, सीने डाई कहते हैं, सीने डाई, राइट? क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूं पार्लियामेंट के रेस्पेक्ट में? सीने डाई आपने पढ़ा नहीं, पार्लियामेंट में होता है कि नहीं होता है? कोई भी सदन सीने डाई वहां पे. चलिए, आई होप आप सभी को,
एडजर्न होता है, वेरी गुड, एडजवुड। तो उस एडजर्नमेंट को बोलते हैं सीनेडाय, एडजर्न हुआ है यह सीनेडाय। सीनेडाय मतलब अब अगली मीटिंग कब होगी वो नहीं बताई गई है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अ जुडिशियल एग्जामिनेशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कोई भी जुडिशियल एग्जामिनेशन जो लॉ के अकॉर्डिंग होता है उसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? बिल्कुल, उसे कहते हैं ट्रायल। बिल्कुल, विचारण कह सकते हैं इसको, विचारण कह सकते हैं इसको। अगला प्रश्न, दैट विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ऐसा कानून जो लॉ के खिलाफ हो, ऐसा कानून जो लॉ के खिलाफ हो, ठीक है। एनीथिंग दैट विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो कानून के विपरीत हो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अनलॉफुल, अनलॉफुली तो बोलेंगे, अनलॉफुल, या एक और वर्ड बोल सकते हैं कॉन्ट्रेरी टू लॉ। कॉन्ट्रेरी टू लॉ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल, अगेंस्ट लॉ भी बोल सकते हैं। अरे इसको अगेंस्ट लॉ नहीं बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगेंस्ट लॉ, जो लॉ के खिलाफ हो। चलिए, कोई भी चीज जो, इसको हटा दीजिएगा, ऐसी कोई भी चीज जो ओन मोशन, खुद के ओन मोशन पे होती है उसको क्या कह सकते हैं? ओन मोशन पर, तो उसको बोलेंगे डियर स्टूडेंट सुओ मोटो। क्या बोलेंगे? सुओ मोटो, माफी चाहूंगा, उसको बोलेंगे सुओ मोटो, राइट। अगला बात, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं? आपने पढ़ा ही होगा इतने सारे प्रिंसिपल्स कानून में, तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत इजी है, याद रख लीजिए, डॉक्ट्रिन्स। क्या बोलते हैं उसको? डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन्स का मतलब सिद्धांत या प्रिंसिपल। टू सीज प्रॉपर्टी, संपत्ति को जब्त करने को क्या कहते हैं? किसी भी संपत्ति को अगर जब्त किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? जल्दी बताएं। ओके, किसी भी संपत्ति को अगर जब्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल, उसको बोलते हैं कॉन्फिस्केट, फॉरफीचर। हे राम, फॉरफीचर क्यों करोगे? फॉरफीचर क्या होता है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, राइट। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। मैं इसको बाद में कभी बताऊंगा अलग से, फटाफट देखिए। अब यहां पर आएगा कॉन्फिस्केशन, क्या आएगा वर्ड? कॉन्फिस्केशन, याद रख लीजिएगा। क्या बोल रहा हूं? कॉन्फिस्केशन, जिसको क्या कहते हैं? जब्त। जल्दी से लिख दीजिए, कॉन्फिस्केशन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? जब्त। ओके, अगला क्वेश्चन, टू स्यू और प्रोसिक्यूट, किसी पर सूट फाइल करना या किसी को प्रोसिक्यूट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको मैं एक मिनट दे रहा हूं, आप लोग आंसर लीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए, जब तक मैं बता देता हूं, आपका आज जो ये डेट है, लास्ट डेट है, यहां पर आप लिंकिंग कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू विल गेट 20% ऑफ ऑन एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, एंड ऑल्सो यू कैन अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड, राइट। एंड ये मीटिंग तो हो ही गई हमारी, अगर आपको आगे इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसी जानकारियां चाहिए, तो डियर स्टूडेंट कहां भाग रहे हो भाई? चलिए, ये प्यारे प्यारे से हैं, देखिए, तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके आगे बढ़ना है, ठीक है। एनहांस करिए अपनी लर्निंग को पंजाब एंड छत्तीसगढ़ प्रीलिम एग्जाम के द्वारा। फिर उसके बाद देखिएगा, आप सभी के सामने एमपी एडीपी और रैपिड रिवीजन बैच आ रहा है, जिसके जो 15 सितंबर से चल चुका है, 3 महीने का कोर्स है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप सभी लोग क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड लिंकिंग, जहां पर आपको मैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, यहां पर आप आरजीएस के कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं हमारी टीम से। आगे की बात, अगर मैं बोलूं जुडिशरी आइकॉनिक नाउ में क्या क्या चीजें होंगी? लाइव डाउट सॉल्विंग। अरे डियर स्टूडेंट, आप आंसर क्यों नहीं लिख रहे हैं क्वेश्चन का? अरे क्वेश्चन का आंसर लिखिए, आप लोग भूल गए या आ नहीं रहे, क्या हो गया? मैं वेट कर रहा हूं। आपका क्वेश्चन क्या था डियर स्टूडेंट? अभी बताता हूं मैं आप सभी को। आपका क्वेश्चन था टू स्यू और प्रोसिक्यूट, मुकदमा या वाद चलाने को इन इंग्लिश में, लॉ की भाषा में क्या कह सकते? सोचो जरा, सोचो, कैसे नहीं आएगा? सोचना पड़ेगा,
बहुत सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जुडिशरी में आपको डाउट सॉल्विंग, लाइव मेंटरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल द बेनिफिट ऑफ प्लस इज अवेलेबल। स्पेशल क्लासेस की बात करते हैं, फ्री क्लास होती है जहां पे आपको इंटरेक्टिव क्लास एंड पोल्स, रेज हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनी वेयर। ये आप मेरी क्लास में बेल बजा दिया करो तो आपको क्या मेरी नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। यहां पर भी बेल आ गया। चलो अब देखो, प्लस का कोर्स अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो 6, 12, 18, 24 मंथ्स के कोर्सेज हैं। इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर आइकॉनिक, देन देयर आर थ्री काइंड ऑफ कोर्सेज व्हिच इज 6, 12 एंड 24 मंथ्स। यहां पर भी आप लाइकिंग कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस के क्या बेनिफिट है, लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, और अगर आइकॉनिक की बात करें तो पर्सनल गाइडलाइन, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट्स गाइडलाइन एंड टेस्ट एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगे। कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है या कोई भी चीज आपको लग रही है तो बक्स बाउंटी के माध्यम से रिपोर्ट भी कर सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा था जिसका आंसर की बात लेते हैं, डियर स्टूडेंट। चलिए इसको आंसर मैं आप सभी को लिखवा ही देता हूं, अगर आप सभी को नहीं मिल रहा है तो। चलिए, टू सू और प्रोसिक्यूट, इसका मतलब होता है इंप्लीड करना। क्या बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट, इंप्लीड करना। इंप्लीड करने का मतलब होता है टू सू और प्रोसिक्यूट, ओके। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं क्लासेस के बारे में, कोई क्वेरी है आपकी, तो बिल्कुल मेरे टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ सकते हैं, विच इज लिंकिंग लॉज, लिंकिंग लॉस अनूप सर के नाम से है, इस पे आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही। आई होप मैं आप सभी के लिए जो मेरी उम्मीदें थी, जो मेरा मतलब एफर्ट था, काम आया होगा। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, कल फिर मिलेंगे एक नए चीजों के साथ और कुछ नए उम्मीदों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।